Good morning, class. This is the last topic of our lesson. The proof we need. आपको समझाया गया था, फिर उसको एक बार रिवाइज करते हैं. Why do we eat food? हम लोग भोजन क्यों करते हैं? आपको पता है कि हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की बहुत आवश्यकता होती है. और हमारे जो टाइप्स थे उसके कितने टाइप्स थे? थ्री टाइप्स थे. कौन कौन से थे? फर्स्ट आपका था एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड आपका बॉडी बिल्डिंग फूड, और थर्ड आपका था प्रोटेक्टिव फूड. एनर्जी गिविंग फूड में आपको पता है कि क्या उन्होंने बताया गया था, किन चीजों से आपको एनर्जी मिलती है आपकी बॉडी में. और जो बॉडी बिल्डिंग फूड में आपको बताया गया था कि किन फूड्स को खाने से आपकी बॉडी जो है बिल्डअप होगी, स्ट्रांग होगी. और प्रोटेक्टिव फूड में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारे फूड्स इंक्लूड किए गए थे. इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. फिर आपका था व्हाई डू वी ड्रिंक वाटर. हम पानी क्यों पीते हैं? आपको पता है हमें जैसे जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें जीवित रहने के लिए पानी की भी बहुत आवश्यकता होती है. हमें पर डे कितने पानी पीना चाहिए? कम से कम पर डे में हमें 8 से 9 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए. वी मस्ट ड्रिंक इनफ वाटर एवरी डे टू कीप अस हेल्दी. जितना अधिक से अधिक पानी का हम यूज करेंगे उतना ही हम हेल्दी रहेंगे. व्हाई डू वी कॉल मिल्क कंप्लीट फूड? मिल्क को कंप्लीट फूड क्यों कहा गया? ये भी कल आपको बताया गया था. जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ खा नहीं पाते तो वो जो है दूध पीते हैं, जिससे उन्हें सारी प्रोटीन जो होती है वो मिलती होंगी. तो इसलिए हम दूध को एक कंप्लीट फूड कहते हैं. आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या है? जैसे कि आपको पता है कि डाइट क्या होता है, जो लोग रूटीन अपने फॉलो करते हैं खाने को लेकर. बैलेंस डाइट इज ऑन विच कंटेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन सच क्वांटिटीज एंड प्रोटीन. बैलेंस डाइट में हम एक कई प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के फूड्स को खाते हैं, उनकी उचित और सही मात्रा में एक अनुपात के हिसाब से यूज करेंगे तो हमारे बैलेंस के डाइट को बैलेंस ही करेंगे. सो दैट वी नीड फॉर कैलोरीज, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड अदर न्यूट्रिशन ड्यूरेशन ऑफ विनेस. ये जो प्रोटीन है हमारे मिनरल्स, विटामिन और कैलोरीज, ये सारी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कमजोरी जो हमारे अंदर रहती है उनको दूर करते हैं. ए बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड अराउंड 60-70% ऑफ टोटल. एक बैलेंस डाइट में हमें 60-70% तक टोटल कैलोरीज लेना चाहिए. एक दिन में हमें 60-70% कैलोरीज यूज करना चाहिए खाने में. फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट 10-12, कार्बोहाइड्रेट हमें 10-12% तक यूज करना चाहिए. फ्रॉम प्रोटीन एंड 20-25 ऑफ टोटल कैलोरीज फॉर फैट. और हमें प्रोटीन कैलोरीज
आदमी, तो आपका जो है शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। तो बैलेंस डाइट फॉर प्रॉफिट देते हैं, प्रोलॉन्ग प्रोडक्टिव लाइफ, इससे आप आपकी हेल्थ जो होती है वो अच्छी रहेगी, तो आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। सेकेंड आपका इम्प्रूव लॉन्गेविटी, यानी अच्छे से हमारे कोई भी वर्क आप लंबे समय तक अपनी वर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव इम्यूनिटी, आप अपने अगर आपका डाइट वगैरह सब कुछ सही रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, तो आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो इम्प्रूव होगी और आपकी रोगों से लड़ने की शरीर के अंदर जो होती क्षमता है अधिक रहेगी। हेल्थ से कॉपिंग अप स्ट्रेस, जो आप अगर आप स्वस्थ नहीं रहते हैं तो आप मेंटली और डिस्टर्ब करते हैं, इससे अगर आपको कोई कुछ सजेस्ट करता है या कुछ अच्छा जो बोलता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है इसी चीज़ में। तो ये चार फायदे होते हैं आपके बैलेंस डाइट का। एक बार फिर से ये सारी चीजें देख लीजिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अवॉइड वेस्टिंग ऑफ फूड एंड वाटर। फिर हमारा है अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फूड, फूड को वेस्ट करने से कैसे अवॉइड किया जाए। तो देखते हैं, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, ग्रोइंग पॉपुलेशन, लैक ऑफ मनी एक्सेट्रा, नॉट एवरीवन इन आवर कंट्री कैन गेट प्रॉपर एंड इनफ फूड टू ईट। कई सारे कारणों की वजह से, जैसे कि आपको ये पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने के कारण, लैक ऑफ मनी, मनी की कमी होने के कारण एक्सेट्रा, और भी अधिक कारण हो सकते हैं। नॉट एवरीवन इन आवर कंट्री, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी कंट्री में जो कि प्रॉपर और इलेक्ट्रॉनिक पैक मात्रा में प्रॉपर डेली रूटीन में भोजन नहीं खा सकते। जैसे कि प्रेजेंट टाइम आपने देखा COVID-19 के चलते इतनी सारी प्रॉब्लम हम सभी को फेस करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा छोटे लोगों को जो कि बहुत ज्यादा सर्वाइव करना पड़ा, उनको एक तो काम न होने की वजह से और दूसरी चीज उनको टाइम से खाना नहीं मिल पा रही, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं। फिर है आपका सम स्टेप टू अवॉइड वेस्टिंग ऑफ फूड, कुछ टाइप्स दिए गए हैं जिससे हम फूड को अवॉइड करने से रोक सकते हैं। फूड मस्ट बी प्रिपेयर ओनली इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, फूड हमें उतना ही बनाना चाहिए जितना जितनी उचित मात्रा में हमें उसकी जरूरत है। क्योंकि कई लोग होते हैं कि दो लोगों को खाना है वो दो से अधिक का खाना बना लेते हैं, वो वेस्ट हो जाता है, वो उसको पेट देते हैं, तो इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड है, इट मस्ट बी स्टोर इन क्लोज कंटेनर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स, फंगस एंड जर्म। हमें जो है कुछ चीजें हमारी फूड में ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बहुत अच्छे टाइट कंटेनर से प्रोटेक्ट उनको अच्छे से रखना चाहिए ताकि जर्म्स और इंसेक्ट्स इन कीड़े मकौड़े से ना जाए। अगर कीड़े मकौड़े में फिस जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो हमारा फूड जो होता है वेस्ट हो जाता है। थर्ड है हमारा हीटिंग प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम स्पॉइल, हमें खाने को गर्म करके खाना चाहिए जिससे कि स्पॉइल का डर नहीं रहता है। फोर्थ है आपका, फूड कैन ऑल्सो रिफ्रिजरेट और फ्रोजन टू अवॉइड बैक्टीरिया, खाना जो बच जाता है हमारा उन्हें हमें रेफ्रिजरेटर जो उसमें रखने सामान के रेफ्रिजरेटर और फ्रिज में या फ्रिज में हम उसको रखते हैं ताकि हम खाने बचे हुए खानों को बैक्टीरिया से बचा सकें। और इसमें कई टॉपिक्स हैं जैसे वी मस्ट कीप अवर फूड कवर, हमें अपने खाने को हमेशा रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज चेक फ्रेश एंड क्लीन फूड, हमें हमेशा साफ सुथरी, जैसे अगर आप बाहर भी जाते हैं तो साफ सुथरे खाने को ही करेंगे, घर में भी आप बनाते हैं तो अपने आस पास जहाँ भी आप खाना बनाते हैं वहाँ साफ सुथरा और ताजा खाना ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अगर आपके घर में खाना बच जाता है, कोई बिगड़ आता है, तो आप उसको दे सकते हैं जिससे कि उसको जो खाने की कमी है जिसकी वजह से वो खाना नहीं खा पा रहे तो वो आपका कहीं यूज हो जाएगा। आपका वी शुड नॉट कुक एक्स्ट्रा
स्ट्रेस से कैसे अवॉइड किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो अर्थ है उसके 70% पानी है, 30% आपके लैंड है। उन 70% पानी में से आपके बहुत कम परसेंट है जो हम लोग को फ्रेश वाटर मिलता है जो कि पीने के काम में आता है। तो इसलिए हमें पानी को वेस्ट करने से बचाना चाहिए, जितना हो सके कम से कम पानी को वेस्ट करें। और आपको पता है बिना पानी के कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकते, जैसे कि पेड़ पौधों को भी पानी की उतनी ही आवश्यकता होती है, पशु जानवरों को भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी हमें होती है। उन्हें भी जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए और लीव करने के लिए पानी की जरूरत है, और एनिमल्स को भी पानी पीने के लिए और नहाने के लिए यूज मिला गया। ह्यूमंस को बहुत सारे यूजेस हैं उनके, आपको पता ही है। तो आइए देखते हैं, वी मस्ट कीप अवर वाटर कवर्ड, हमें अपने पानी को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। सेकेंड है, वी शुड ऑल्सो ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ पानी पीना चाहिए। जो कि आपको पता है बहुत कम परसेंट है हमारे पास पानी साफ पीने ही वाला, तो हमें अपने पानी को हो सके जितना भी क्लीन यूज करना चाहिए और उसको हमेशा बचाना चाहिए। वी शुड नॉट लीव द टैप्स ओपन आफ्टर बाथिंग और वॉशिंग, हमें नहाते समय और कपड़ा धोते समय या सफाई करते समय टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे पानी वेस्ट हो जाए। अगर आप कपड़ा धो रहे हैं तो पानी आप उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। आप जो इधर उधर पेड़ देते हैं उसकी जगह आप प्लांट्स में डाल देंगे तो पानी आपको दोबारा यूज हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। उनसे प्लांट्स को भी फायदा होगा और हमारा पानी भी बचेगा। तो आज आपके ये चैप्टर फिनिश हो गया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से इस चीजों को रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।